चनकी परमनौली कदरौली गाँव दिया से लेकर आप नाच घाट टाटी से चले जाएंगे। इस बार ये कई नारा लग रहा है, इस बार जो नारा लग रहा है कि एक ही चाहता हूँ सारे गांव के लोग सम्मानित रविंद्र कुशवाहा जी का आगमन इस मंच पर हो गया है। मेरे साथियों, जिस उत्साह नगर के साथ आपने अपने सांसद का आपने अपने सांसद को चुना, ऐसे लोग सांसद आज आपके बीच में यहाँ उपस्थित है। बहुत बड़ा बोझ इनके कंधों पे है, इनके लोकसभा के क्षेत्र में 5 विधानसभाएं आती है मेरे साथियों, और हर विधानसभा में ये बेचारे जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे उम्मीद है कि इनका मेहनत रंग लाएगा और 5 की 5ों विधानसभाएं इनकी झोली में जाएंगी। इसी बात मैं इनका स्वागत करते हुए श्री इंद्रेश के बच्चे जी का बताइए। स्वागत है आदरणीय छेदी प्रताप कनौजिया एडवोकेट जी का। मैं निवेदन करूंगा, हमारे जो मैं नाम ले रहा हूं, अगर रामजान पटेल जी आए हुए हो तो कृपया उस मंच पर बैठने का कष्ट करें। श्री रामनयन सिंह जी, श्री विभूति प्रसाद जी, बगल में जो मंच बना हुआ है उस पर बैठने का कष्ट करें। मैं आमंत्रित करता हूँ सीधे सीधे युवा दिलों की धड़कन जो बाबा के नाम से मशहूर है, आदरणीय मिथिलेश बाबा, आपको आमंत्रित करता हूँ तालियों के साथ। सफाई अभियान करता हूँ परम आदरणीय आज के चुनावी सभा के अध्यक्ष जी, परम श्रद्धेय मेरे बड़े भाई सांसद सलीमपुर श्री रविंद्र जी कुशवाहा, परम आदरणीय परम पूज्य श्री अनुज जी मिश्र जिला अध्यक्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी देवरिया, मैं मंच पर सभी लोगों का नाम लेना नहीं चाहता, बिना भूमिका इस बात अपनी कहना चाहता हूं। मेरे मित्र अभय सिंह जी, सत्य प्रकाश दुबे जी, वकील यादव जी, संजय यादव जी, तमाम साथियों, मेरा छोटा भाई मानवेंद्र, मैं 5 मिनट में अपनी बात करके समाप्त करना चाहूंगा। 20 मई 1857 को मेयर से 20 घुड़सवार निकलते हैं और वो घुड़सवार दिल्ली पहुंचते हैं 21 मई को और बहादुर शाह जफर को कहते हैं, बहादुर शाह जफर अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित करते हैं। 72 वर्ष का नौजवान बहादुर शाह जफर अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित करता है। 1857 की क्रांति होती है, बहादुर शाह जफर गिरफ्तार होता है और उसे रंगून जेल में बंद कर दिया जाता है। एक दिन बहादुर शाह जफर के पास ब्रिटानिया हुकूमत का सिपाही पहुंचा, कहा जफर
आपको ब्रिटानिया हुकूमत ने बरसों से नजराना नहीं दिया है, आपको नजराना पेश कर रहा है। जफर के दोनों बच्चों के सर कलम करके दो थालियों में रख के लाल कपड़े से ढक के जफर के सामने प्रेस्ट किया गया नजराना, और एक कागज के टुकड़े पर लिखा गया था कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। और 72 वर्ष का नौजवान मुस्कुराता है, कागज के पन्ने को पलटता है और अपने बेटे के लहू से लिखता है कि गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। लंदन तक चली हिंदुस्तान आजाद हुआ। और हिंदुस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। कांग्रेस की सरकार बनी, प्रथम भारत की, प्रथम स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र सरकार, और उसी में जीप घोटाला हुआ। प्रथम सरकार कांग्रेस की और प्रथम सरकार के प्रथम इस देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और प्रथम जीप घोटाला उन्हीं के कार्यकाल से शुरू हुआ। और कांग्रेस में घोटालों की लिस्ट सोनिया, राजीव से लेके मनमोहन सिंह तक आ गई। इसमें तो जीजा जी घोटाला, जमीन घोटाला, क्या क्या हुआ। और जिस कांग्रेस की सरकार जो समाज को बांटती रही, जो समाज हिंदू मुसलमान एक हो गए, सिख ईसाई जैन धर्म एक हो गए, आजादी की लड़ाई लड़ते हैं, देश आजाद होता है, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए कांग्रेस ने जाति धर्म और संप्रदाय और क्षेत्र के आधार पर हिंदुस्तान को बांटा। और जिस हिंदुस्तान को कांग्रेस ने बांटा, उस कांग्रेस के समर्थन में मायावती जी, मुलायम सिंह जी लगातार 10 साल के अंदर की गवर्नमेंट चलाए, इन्हें भ्रष्टाचार नजर नहीं आया, इन्हें साथ नजर नहीं आया। और आज ये कह रहे हैं यूपी को साथ पसंद है, इनका नारा है यूपी का साथ पसंद है। मेरे मित्र सुनील सुनहीन एक दिन ये गीत गा रहे थे कि कृष्ण को जैसे मुरली प्यारी, शंकर को त्रिशूल पसंद है और यूपी को फूल पसंद है, यूपी को फूल पसंद है इनका साथ है। जब घोटाले होते रहे कांग्रेस के जमाने में, लोग बोलते थे मगर समर्थन वापस नहीं देते। आज स्थिति ये है कि बहन जी है ये कह रही है मैं भाजपा से समर्थन नहीं लूंगी, भाजपा को समर्थन नहीं दूंगी। अरे बहन जी, भारतीय जनता पार्टी नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होते, तो उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनने का आपको सौभाग्य भी नहीं मिला होता। यह भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी इसलिए नहीं मुख्यमंत्री बना दिया कि आप बहुत तेज है, भारतीय जनता पार्टी इसलिए आपको मुख्यमंत्री बनाया कि लोग ये जाने कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी नहीं है। इसलिए जो हमारे विरोधी दल के लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, मायावती जी अपने मंच पे अपने कैंडिडेट प्रत्याशी सलेमपुर विधानसभा, मेरे बड़े भाई श्री काली प्रसाद जी आ गए हैं। मैं चाहता हूँ नारों के साथ इनका स्वागत हो। और जिला प्रभारी श्री रमेश सिंह जी भी आके मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से इनका स्वागत हो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
काली प्रसाद जी आ गए हैं, मैं अपनी बात को बहुत सीमित लेना चाहता हूँ। मेरे युवा साथियों, 4 मार्च को सलेमपुर की तकदीर नहीं बदलनी है, 4 मार्च को उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलनी है, और मुझे आप पे विश्वास है। इसलिए युवा साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि याद रखना कि हम मचलते हैं तो तूफान रह जाते हैं, याद रखना कि हम मचलते हैं तो तूफान ठहर जाते हैं, और हम ही गरजते हैं तो ये बादल बरस जाते हैं, और हमको बदलने की कोशिश न करना। अरे हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं, इतिहास बदल जाते हैं, इतिहास बदल जाते हैं। 4 मार्च को सलेमपुर का युवा लड़ाई लेगा, बूथ पे जाएगा, कमल का बटन दबाएगा और दबवाएगा, और 11 मार्च को काली प्रसाद जी के साथ साथ पूरे प्रदेश में भाजपा को विजयी बनाएगा, और 13 मार्च को हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री कह गए हैं कि भगवा रंग में होली मनाएगा, होली मनाएगा। यदि मदारी आपको मैं कहना चाहता हूँ, हर हाथ को काम चाहिए, हर सर को छत चाहिए, हर पेट को रोटी चाहिए, सरकार कर रही है क्या? अरे हम जिस प्रदेश में रह रहे हैं, युवा मुख्यमंत्री है, और एक भाई के सामने उसकी बहन का बलात्कार होता है और बेशर्म खड़ा होकर देखता रहता है, एक बाप के सामने उसकी बेटी का बलात्कार होता है, एक पति के सामने उसकी पत्नी का बलात्कार होता है, फिर भी ये लोग कह रहे हैं यूपी को 7 पसंद है। इसलिए है न्याय के लिए दर दर लोग ठोकर खा रहे हैं, और गुनाह करने वाला मालामाल होता जा रहा है, फिर भी यूपी को 7 पसंद है। हम कहना चाहते हैं आपसे, यूपी को 7 नहीं, मोदी का मजबूत पंजा पसंद है, उसका हाथ, उसकी ताकत और छप्पन उसकी सीना पसंद है, और भारतीय जनता पार्टी का फूल पसंद है। ये कहना चाहता हूं, राहुल जी के बारे में कुछ नहीं कहना, उनके बारे में उनकी नेता जिनको यहाँ मुख्यमंत्री बना के वो पेश कर रहे थे, उन्होंने ही कहा दिया यह परिपक्व, जो अपरिपक्व है उनको परिपक्व होने में भी 48 वर्ष और लगेगा, तो उनके बारे में कुछ कहना नहीं है। एक बात और आपसे कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। मित्रों, अगर मैं अपने माँ का, अपने बाप का नहीं हो पाया था, आपका नहीं हो पाऊंगा, मैं अपनी माँ बाप का नहीं हुआ तो आपका नहीं हो पाऊंगा। यह पार्टी, यह झंडा, यह फूल जो इस मंच तक मुझको लाया है, मेरे माँ बाप की तरह है, और मैं इसका नहीं हुआ तो दूसरे का नहीं हो पाऊंगा। यह बात मैं कहना चाहता हूँ, नौकरों का नहीं हुआ, बात रिश्तों की लोग करते हैं, अरे रिश्तों के चक्कर भी मैं फंसता चला गया, और ये रिश्ता हिनाक बन के दस्ता चला गया, और मेरी मासूमियत को जान के हर किसी ने चोट की, फिर हर एक चोट पे मिथिलेश बाबा हंसता चला गया। 2012 में इसी रिश्ते का खून करके जब काली प्रसाद का टिकट काट के आपको लड़ाया गया, तो काली प्रसाद मुझसे कहे, मिथिलेश तुम मेरे छोटे भाई हो बेटा, चलो आगे बढ़ो, और दिन रात मेहनत करके हम लोगों ने झंडा ढोके उनको दूसरे स्थान तक पहुंचा दिया, और आज उनकी स्थिति है जहां गई है, अपने आप फिसल के 5वें पायदान पर चली आई है। मुझे कुछ कहना नहीं है उनके बारे में, जो रिश्तों को नहीं मानता, जो दल को नहीं मानता, जो संगठन को नहीं मानता, जो दिल को नहीं मानता, जो आदमी जब स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना, और सलेमपुर में जहां पटाखा फोड़ के मिठाई बांटती है, वही साइकिल का प्रचार कर रही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चलो ठीक बात, इस चीज से आप बचिएगा, और जो दगा दे, जो धोखा दे, उसे दगा भी देना चाहिए, धोखा भी देना चाहिए, और 4 मार्च को 5वें पदान को उसको दाग के यहाँ से डुबरिया भगा देना चाहिए। यह मैं आपसे कहता हूँ, अपनी बात को ही समाप्त करते हैं। अंतिम बात कहना चाहता हूं आपसे कि चलो एक बार जाति से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के, संप्रदाय से ऊपर उठ के, क्षेत्र से ऊपर उठ के,
देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए। राष्ट्र ना टूटे, समाज ना टूटे, समाज बने, प्रदेश बने, देश बने, ऐसा निर्णय ले और व्रत ले। आने वाले 4 मार्च के दिन चुनाव चिन्ह कमल का बटन दबे और इतना तेज दबे कि 11 बजे से 12 बजे तक बच्चे सारे विरोधियों के एजेंट अपने घर चले जाएं और बूथ पर सिर्फ हम ही रह जाएं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने बड़े भाई काली प्रसाद जी के तरफ से मैं पुनः आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मतदान के दिन उपवास रह के व्रत रह के और एक ऐसे व्यक्ति को जो व्यक्ति मजदूरी से यहां तक आया है, जो व्यक्ति अपने जीवन के 40-45 साल आपकी सेवा में लगाया है, उसके उसके सेवा का फल दे दीजिए, अपना आशीर्वाद दे दीजिए, एक वोट उसे दे दीजिए और अपना आशीर्वाद वोट में तब्दील करके उसे लखनऊ भेज दीजिए। मैं दावा करता हूं जो काली का व्यक्तित्व है, जो काली का चरित्र है, जो काली का कृतित्व है, वो हमेशा सेवक था, सेवक है और सेवक रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ कैफी आदमी की बात से अपनी बात को समाप्त करता हूं कि भरम दिल का अगर तोड़ना ही है तो चलो तोड़ देते हैं। भरम दिल का अगर तोड़ना ही है तो चलो तोड़ देते हैं और मुझे तुम ही से प्यार करना और तुमको हो तो छोड़ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अम्बेडकर, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, कार्यक्रम अपना है, हम सभी अपने हैं, मंच भी अपना है। मंच की एक गरिमा है, एक प्रोटोकॉल है और सुरक्षा प्रतिनिधि जी मुझे निर्देशित किया गया है शक्ति जी की तरफ से कि जो सूची संगठन के द्वारा एसपी जी वालों को उपलब्ध कराई गई है उसके अतिरिक्त जो भी महोदय इस पर बैठे हुए हैं कृपया अपना उचित स्थान नीचे जाकर के ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। ये बुरा मानने की भी कोई बात नहीं है, कार्यक्रम अपना है। मैं नाम पढ़ रहा हूँ जिनका नाम सूची में है, उसके अतिरिक्त जो भी बंधु इस मंच पर विराजमान है कृपया उस मंच पर जाकर के बैठने का कष्ट करेंगे। श्री रविंद्र कुशवाहा जी सांसद, श्री काली प्रसाद जी प्रत्याशी विधानसभा सलेमपुर, श्री उपेंद्र शुक्ला जी क्षेत्रीय अध्यक्ष, श्री महेंद्र यादव जी जिला के अध्यक्ष, श्री अनुज मिश्रा जी लोकसभा के पालक, माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी क्षेत्रीय अध्यक्ष पश्चिम क्षेत्र, माननीय श्री जतन सिसोदिया जी क्षेत्रीय महामंत्री पश्चिम क्षेत्र, श्री कुंज बिहारी सिंह जी विधानसभा प्रभारी, श्री जितेंद्र सिंह जी विधानसभा के संयोजक, श्री छेदी प्रसाद जी कन्नौजिया भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, श्री संतोष तिमुलायक समन्वयक, श्री ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय समाज पार्टी, श्री कन्हैया जायसवाल जी मंडल अध्यक्ष सलेमपुर, श्री विजयधर दुबे जी मंडल अध्यक्ष लाल, श्री संजय कुशवाहा जी मंडल अध्यक्ष लाल रोड, मैं स्वयं अशोक कुमार पांडे संचालक, श्री रविंद्र श्रीवास्तव जी पूर्व विधानसभा प्रभारी, श्री रमेश सिंह जी जो हमारे गोरखपुर से चल के आए हैं, हमारे जनपद के प्रभारी हैं, जिनके कुशल नेतृत्व में इस विधानसभा का चुनाव हो रहा है, मैं उनका भी स्वागत वंदन करते हुए निवेदन करता हूं कि आप मंच पर पधारने का कष्ट करें। श्री मिथिलेश बाबा पूर्व जिला अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा, श्री विजय दुबे मंडल प्रभारी, श्री ओम प्रकाश यादव नगर पंचायत अध्यक्ष व श्री अभिजीत सिंह जी। इसके अतिरिक्त जो भी हमारे महानुभाव हमारे बंधु मंच पर विराजमान है वो मेरी मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए और एसपी जी के निर्देशों के तहत उनसे गुजारिश करता हूँ कि स्वविवेक के आधार पर मंच को खाली करने का कष्ट करें। धन्यवाद। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री प्रभुराज मिश्रा युवा जिलों के धड़कन देवरिया के चल करके आए हुए हैं, जहाँ कहीं भी हो आदरणीय प्रभुराज मिश्रा जी आप आने का कष्ट करें और अपने ओजस्वी विचारों से लोगों के अंदर उत्साह का
संचार करें। माननीय प्रभुनाथ मिश्रा जी, आपके भाषणों को तो कई बार लोगों ने सुना है, आपका स्वागत है अपने काली प्रसाद जी का। अभी सुबह से निकले हुए हैं, क्षेत्र का दौरा करने के उपरांत इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, उनका भी मैं आप सभी लोगों की तरफ से स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। माननीय प्रभुनाथ मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित सलेमपुर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद प्रिय अनुज रविंद्र कुशवाहा जी, मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से जिले के प्रभारी आदरणीय रमेश सिंह जी, मंच पर बैठे हुए सलेमपुर लोकसभा के पालक श्रद्धेय अनुज मिश्र जी, संचालन कर रहे मेरे सहयोगी भाई अशोक पांडे जी, सम्मानित मंच, सलेमपुर विधानसभा के दूर दराज से आए हुए मेरे बुजुर्गवार चाचाओं दादाओं नौजवान साथियों माताओं बहनों पत्रकार बंधुओं, समय अभाव है और आदेश हुआ है कि मैं अपनी बात आप लोगों से करूं। मैं एक बात आप लोगों को साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं कि जनतंत्र के इस महापर्व में नरेंद्र मोदी की आंधी चल चुकी है और विरोधी उस आंधी में उड़ चुके हैं, कोई बचा नहीं है, कोई बचा नहीं। इसका आपको मैं परिणाम दे रहा हूं, इसका उदाहरण दे रहा हूं। आज तक के अपने 35 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने ये देखा कि सत्ता में जो पार्टी होती है उसे सत्ता से बेदखल करने के लिए अन्य राजनीतिक पार्टियां गठबंधन करती है, लेकिन पहली बार देखा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो राजनीतिक दल तीसरे नंबर पर है उसे सत्ता में नहीं आने देने के लिए सत्ता पक्ष की पार्टी चौथे नंबर की पार्टी से गठबंधन की है। यही बात का प्रमाण है कि सत्ता पक्ष यह मान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है और मेरी सत्ता जा रही है। तभी तो राहुल जी ने कहा 17 साल यूपी में रहा, 17 साल 27 साल यूपी में रहा, हो गया गठबंधन, राहुल हुआ निहाल भाजपा हो गया माला मार जमीन है सारा नाना। नेता जी बुला लिया है भैया, हमने बुला नमनी बुला लिया है हमने कभी आप लोगों ने देखा हाथ से साइकिल चलते हुए हाथ से साइकिल कौन चलाता है? तो दिव्यांग को होता है, विकलांग को होता है, साइकिल पांच से चलती है, हाथ से बड़ा चलने का ये फिटगिरी है चलेगी या फिर की साइकिल को कदम चल रहे तो हाथ ब्रेक लगा दे रहा है, पूरा पकड़ो और वहां से पूरा पंडाल इधर से यहीं से
बताए। हम भारत माँ को माफ करेंगे और तुम भारत माँ को नया कहोगे तो जीवन की जान को पार कर। बस रुको, अगर मुझे सांप्रदायिक कहते हैं तो मुझे गर्व है कि मैं सांप्रदायिक हूँ। मैं हिलता है, लेती है तरुणाई अमराई।